बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मसालेदार और बहुत मज़ेदार बैंगन। तो इस रेसिपी को हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 3 से 4 खाने के चम्मच तेल एक पॉट में चाहिए। इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तमाम को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये भुन जाए। अब हम इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर रफली चॉप शामिल करेंगे। इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हल्दी ज़रूरत, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे, दम पे रखेंगे ताकि टमाटर गल जाए और मसाला भी भुन जाए। इस दौरान हम बैंगन कट कर लेते हैं। तकरीबन 200 ग्राम बैंगन इस रेसिपी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप कोई भी शेप बैंगन का ले सकते हैं। बैंगन हमारे कट हो गए हैं, अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। तैयार हो रहा है, ये देखिए टमाटर गल गए हैं और तेल भी अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 5-6 मिनट तक हमने इसको दम पे रखा था दरमियानी आंच पे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन। इसको मिक्स करके हम तकरीबन 8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे दम पे रखेंगे ताकि बैंगन गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह से बैंगन के साथ मिक्स हो जाए। तकरीबन 8 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं अपनी डिश को। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।